फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर 775 डीसी मोटर बनाकर तैयार करेंगे और ये जो घर में पड़े वेस्टेस होते हैं उनसे ही बनकर तैयार हो जाएगी। ये जो सिलिकॉन का डिब्बा होता है वो है, इसकी जगह आप पीवीसी पाइप होते हैं उसका भी यूज कर सकते हो। तो इसको यहाँ से मैं कटिंग करूँगा और इसके अंदर से मैं जो है 9 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कितने का भी काट सकते हो। तो फ्रेंड, आप इसके आगे का हिस्सा जो होता है उसको बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए मैं पीवीसी पाइप की सीट बनाकर तैयार करूँगा। वैसे तो मेरे पास हीट गन है लेकिन छोटे मोटे काम के लिए हीट गन को क्या यूज़ में लेना, मुझे छोटा सा तो बनाना है। तो लाइटर से फ्रेंड ये थोड़ी काली होगी, आप जो इसको गैस होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, उससे काली नहीं होगी। लेकिन कोई बात नहीं, ये साफ़ हो जाएगी, पेपर से इसको घिस को जस्ट साफ़ कर लेंगे। तो फिर मैंने इसको पेपर से साफ़ कर लिया और इसको घिसकर साफ़ कर लेंगे। अब इसके अंदर से 2 टुकड़े काट लेंगे, इसके बराबर की मार्किंग करके 2 टुकड़े काट लेंगे। तो फ्रेंड, मैंने 2 राउंड को काट कर तैयार कर लिया और इसके सेंटर में मैंने यहाँ पर निशान मार लिया है होल निकालने के लिए और एकदम इसके बराबर के माप के कटे हैं। अभी मैं इसकी बॉडी बनाकर तैयार कर रहा हूँ, इसकी आर्मेचर होता है उसको भी बनाकर तैयार करेंगे। पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगी। फ्रेंड, इस वाले टुकड़े को अभी नहीं चिपकाएंगे, बाद में चिपकाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आर्मेचर भी लगाना है। तो ये जो टुकड़ा है सबसे लास्ट में चिपकेगा। आप फ्रेंड इसका आर्मेचर बनाकर तैयार करेंगे और आर्मेचर बनाने के लिए मैं इस तरह की पत्तियों का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो नट बोल्ट जो होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो, उनसे भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर एक ग्रूव बनानी होगी, कट लगानी होगी, जिससे हमारी जो वाइंडिंग हो उखड़े नहीं, ताकि वाइंडिंग अच्छी से इसके अंदर टिकी रहे। तो इस तरह से खांचे लगा लेंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड ये कुछ इस तरह की बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको चिपकाना होगा, चिपकाने के लिए आप एम सील का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट सोल्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको फेविक्विक से चिपकाऊंगा क्योंकि फेविक्विक जल्दी सूख जाती है, एम सील वगैरह सूखने में थोड़ा टाइम लेती है, तो फेविक्विक से फटाफट काम हो जाएगा। तो फिर फेविक्विक से चिपकाने के बाद इसको और मजबूत करने के लिए पीवीसी पाइप का जो बुरादा होता है उसको यहाँ पर डाल देंगे, उससे इसकी मजबूती है जो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड ये बनकर तैयार हो चुका है और ये अभी कहीं नहीं जाने वाला, अभी काफ़ी मजबूत हो चुका है। अब फ्रेंड इसका जो पीछे का हिस्सा होता है कम्यूटेटर, उसको बनाकर तैयार करेंगे और उसको बनाने के लिए मैं इस तरह की जो पत्तियां होती है टिन की, इसी से बनाकर तैयार करूँगा। तो फ्रेंड ये कुछ इस तरह का बनकर तैयार हो जाएगा और इसके जो किनारे हैं उसे किसी फाइल या रेती से घिसकर साफ़ कर लेंगे, ताकि घूमते समय दिक्कत ना दे
और गाइस यहाँ पर इसके अंदर एक होल करना पड़ेगा जिससे इसके आर्मेचर के अंदर इसको फिट कर सके। तो फ्रेंड ये कुछ इस तरह का बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसकी वाइंडिंग करने से पहले इसके ऊपर पेपर लपेटना होगा जिससे हमारी वाइंडिंग शॉर्ट ना हो। तो फ्रेंड ये कुछ इस तरह का बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने इसके अंदर पूरे अच्छे से पेपर लपेट लिया है। अब फ्रेंड इसकी वाइंडिंग करेंगे। वाइंडिंग करने के लिए मैं इस तरह का कॉपर का वायर लूँगा। ये 100 ग्राम का वायर मैं मार्केट से लेके आया हूँ, तो इसमें से काफ़ी वायर बच जाएगा, आपको इतना लाने की जरूरत नहीं है। और फिर वाइंडिंग करने से पहले इसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ होता है तो उसको हटाना पड़ेगा। कोटिंग होती है, उस कोटिंग को हटा कर उसके बाद भी इस आर्मेचर के ऊपर लपेटना होगा। तो फिर इस कोटिंग को आपको अच्छे से हटाना होगा। इस कोटिंग को अगर आप सही से नहीं हटाओगे तो एक काम नहीं करेगा। अब फिर मैं इसके अंदर 50 टन लगा रहा हूँ, तो ये 50 टन में ऐसे अंदाजे लगा रहा हूँ क्योंकि फिर इसका फॉर्मूला नहीं होता अभी तक, तो मैंने नहीं सुना। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। तो फिर मैंने 50 टन कुछ ज़्यादा ही लगा दिए थे, उस कारण आर्मेचर के जो स्लॉट होते हैं उसके अंदर जगह नहीं थी, तो मैंने टन को आधा कर दिया यानी 25 टन कर दिए, क्योंकि 50 काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे तो स्लॉट पे जगह ही नहीं बची थी। तो फ्रेंड आर्मेचर की वाइंडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी जो बॉडी शुरुआत में बनाई थी उसके अंदर इसको फिट करेंगे और इसके जो ब्रशेस वगैरह है उसको भी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड मैं इसके अंदर बेरिंग नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे मार्केट में छोटी वाली बेरिंग नहीं मिली, बड़ी वाली मिल रही थी और ड्रिल मशीन में यूज होती है तो उसका मैं क्या करता हूँ, इसमें फिट नहीं होती तो मैं नहीं लेकर। अगर आपको भी नहीं मिलती है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेरिंग से यूज करने से क्या होगा, ये काफ़ी स्मूथ और बढ़िया चलेगी। तो अगर आपको मिल जाती है तो आप लगा सकते हो या आप भी इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो फिर अब इसके अंदर मैग्नेट लगाने हो गए। मैग्नेट लगाने के लिए मैं इस तरह की स्पीकर के जो मैग्नेट होते हैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको काटने का कोई जुगाड़ तो है नहीं, तो ये छोटे वाले जो मैग्नेट होते हैं इसी का मैं यूज़ करूँगा। तो इस मैग्नेट को जो इसके बाहर ही लगाना पड़ेगा क्योंकि अंदर लगाऊँगा तो इसकी बॉडी जो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो अंदर लगेगी नहीं क्योंकि काफ़ी मोटे मैग्नेट है, तो इसको बाहर ही चिपकाना पड़ेगा। फिर इसके अंदर देखना पड़ेगा नॉर्थ और साउथ, ये देखिए यहाँ पर निशान लगवाए नॉर्थ और साउथ हो जाएगा, तो इसके हिसाब से देख कर इसको फिट करना पड़ेगा। तो फिर अगर आपको पतले वाले जो मैग्नेट होते हैं जो मोटर के अंदर यूज होते हैं अगर वो आपको मिल जाते हैं या आपका पहले से पड़े तो आप उनको लगा सकते हो, उससे क्या है काफ़ी पतले हो जाएंगे तो मोटर जो छोटी रहेगी और ये जो बाहर चिपकेगी अंदर नहीं चिपकेगी क्योंकि इससे मोटर का जो साइज़ हो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड ये बनकर तैयार हो चुकी है, तो चलिए इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं इसकी पावर और टॉर्क कैसा है, तो एक किस तरीके से काम करती है, चलिए तो इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड ये 12 वोल्ट 1 एम्पीयर की पावर सप्लाई है, चलो देखते हैं इसे कैसे काम करती है।
फ्रेंड इसके अंदर बेयरिंग नहीं लगाया, इस कारण इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है। बेयरिंग लगाया होता तो काफ़ी स्मूथ चलती, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। चले और भी देखते हैं इसे टेस्टिंग करके। तो फ्रेंड्स इसके अंदर बेयरिंग न लगाने के कारण इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है। बेयरिंग लगाते तो काफ़ी स्मूथ चलती, और अब मैं इसकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ, देखिए कम ज़्यादा हो रही है। ये कमी तो बेयरिंग लगाने के बाद ठीक हो जाएगी, तो मोटर तो हमारी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। तो फ्रेंड इसका टोर भी ठीक ठाक है, लेकिन ये 775 को टक्कर नहीं दे सकती, तो ये 555 के आसपास आती है, क्योंकि फिर इसका जो आर्मेचर बनाया था वो इस तरीके से इंडट बोल्ट पत्तियों का लगाकर बनाया था। जो आर्मेचर मोटर का होता है वो अलग ही टाइप का होता है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है, और इसके अंदर बेयरिंग भी नहीं लगाई। तो पुराना आर्मेचर आपके पास हो तो उसका यूज़ कर सकते हो, जिससे आउटपुट आपको अच्छा मिल सके। बाकी छोटी मोटी डीलिंग है उसको बड़े ही आराम से कर सकता है, छोटे मोटे काम के लिए काफ़ी सही है, छोटी मोटर के बराबर है ये। तो जो बात थी वो वीडियो में मैंने आपको बता दी। तो फ्रेंड इसे बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, ये छोटी मोटर होता है उसके बराबर काम करेगी, तो छोटी मोटी डिलिंग होती है आपकी, आराम से कर देगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसका साइज़ जो थोड़ा बड़ा रहेगा, बाकी छोटे मोटे काम भी आपके आराम से हो जाएगी, छोटी जो मशीन होती है उसके बराबर काम करेगी, तो आप इसको बना सकते हो। और फ्रेंड ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना। तो चलिए किसी नए वीडियो के अंदर मिलता हूँ।